से आप लोग यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, मैं इसे अभी अपलोड करने वाला हूँ और आपको यहाँ पर ये शॉर्ट वीडियो वायरल करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब इसको हम देखने वाले हैं कि थोड़ा टाइम हम वेट करेंगे, 5 से 6 घंटे इस पर मैं वेट करता हूँ। और वेट करने के जैसे 5 से 6 घंटे के बाद देखो मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने रिफ्रेश करने के बाद देखा कि इसके ऊपर 10,000 व्यूज आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और इसके ऊपर अभी भी व्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, मैं आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। अगर आप बिना इसके बेस के इस वीडियो को देखते हो तो 100% आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो चले गए, मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है और कैसे अपनी वीडियोज को अपलोड करना है। तो सबसे पहली बात होती है, जब भी आप शॉर्ट वीडियो बनाकर क्रिएट कर रहे हो सीधा अपलोड कर देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर क्रिएटर्स आपको ये तरीका समझाते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो बना लो और उसे अपलोड कर दो। जैसे कि आप, मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ कैसे आपको शॉर्ट वीडियो बनानी और कैसे उसे अपलोड करनी है। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको, बिना मेहनत के। ज्यादा आपको मेहनत नहीं है, आपको शॉर्ट वीडियो कहीं से डाउनलोड करनी है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, उसके बाद आपको वॉइस ओवर भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉन्ग यूज करना है। और उसके बाद उस शॉर्ट वीडियो को आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है और कैसे उसे अपलोड करके कैसे उसे आप वायरल करवा सकते हो, वो सारी प्रोसेस मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो हमें चलने वाले मोबाइल स्क्रीन पर, वहां जाकर सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो चले गए, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके इसे अपलोड करना चाहिए, जिनसे कि आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ। उससे पहले हमें चाहिए कुछ वीडियोस, ठीक है। हमें चाहिए वीडियो, तो हमें वीडियो कहाँ से मिलेगा? तो मैं ज़्यादातर वीडियो इंस्टाग्राम से और फेसबुक से निकाल लेता हूँ। तो आपको कैसे निकालनी चाहिए वो मैं इस तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम आईडी पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर रील्स देखता हूँ, ठीक है, काफ़ी रील्स देखता हूँ। उनके बाद मैं कुछ कॉमेडी रील्स निकालता हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कुछ रील्स मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ जो मुझे अच्छा लगे, ठीक है। कॉमेडी वाले रील्स अच्छी लगे आपको, वो वाले रील्स यहाँ से निकाल लेना, आपको रील्स देखते रहना। और अगर आपके अगर रील्स में, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट में कॉमेडी वाली रील्स नहीं आती, जैसे यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये वाली रील्स मुझे दिख गई, मैं इसको लाइक करूँगा पहले। इसके बाद और भी रील्स आएगी, ठीक है। तो इसी टाइप की रील्स मैं जैसे लाइक करूँगा, आपको उसी टाइप की रील्स देखने को मिलेगी। उसके अंदर से आपको कुछ कॉमेडी रील्स निकालनी होगी जो आपको अच्छी लगे, जो यूएस के बंदे होते हैं जो कॉमेडीज करते हैं उनकी रील्स ज़्यादा निकाली। देखो यहाँ पर ये मैडम भी स्कूटी वाली रील्स देखो कितनी ज़बरदस्त कॉमेडी वाली है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको भी मैं लाइक कर दूंगा, मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसमें से यहाँ से निकाल लूँगा और उसके बाद एडिट करके अपलोड करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर रखे। मैं अब यहाँ पर अपने गैलरी में चलता हूँ और उसके बाद मैं निकाल कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं चलते हैं अपनी गैलरी में और आपको दिखाते हैं कॉमेडी वाली रील्स को आप कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तब मैं चलता हूँ सीधा अपनी गैलरी पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो जो वीडियोस डाउनलोड कर रखे वो वाली वीडियो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्लाइड कर लेता हूँ, जो मैंने डाउनलोड कर रखे वही वाली वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और देख सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे, डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे। जैसे कि आप देख सकते ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक और ये वाली, जो कि अनोखी चीज़ें होती है वो आपको डाउनलोड कर लेनी होगी और उसके बाद आपको एडिट करना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिए। अब मैं क्या करना वाला हूँ, इनमें से वीडियो को आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपका चलो मोनेटाइज भी हो और आप उससे अर्निंग भी करो। तो चलिए चलते हैं, अपने काइन मास्टर पे चलना होगा और उसके बाद आपको सिखाता हूँ। चल सब, फिर आप काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं एडिट करने का काम करता हूँ। तो ये मैंने वीडियो एडिट कर रखी, आपको समझाता हूँ मैंने कैसे एडिट कर रखी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो वीडियो होता है, और इसका वॉइस सबसे पहले हम इसका वॉइस यहाँ पर घटा देंगे, जिससे कि इसका जो भी बैकग्राउंड में वॉइस है वो वॉइस अपने को सुनाई नहीं दे। ये वीडियो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा जूम वूम करके आप इसे एडिट कर लेना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पीछे अपना फेस लगा रखा, जिनसे कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर कुछ भी नहीं आया और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर इन्होंने एक्टिंग की, उस वही एक्टिंग मैंने यहाँ पर 3 सेकेंड की करके अपलोड कर दी, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, ये मेरा कंटेंट हो चुका है। तो अब मैं इसे यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो को यहाँ से, ठीक है। जैसे सेव वीडियो पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद करेंगे हम इसे अपलोडिंग। अपलोड करने के समय आपको विशेष ध्यान देना है, तो क्या करना चाहिए आपको, चलिए यहाँ पर मैं चलता हूँ। अब चलते हैं बैक, ठीक है। अब करते हैं इसे अपलोड। अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब भी आप वीडियोस को एडिट करते हो तो उसे यार 15 सेकंड के अंदर अंदर रखना। आपको ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनानी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी क्या होता है कि ऑडियंस रिटेंशन नहीं आता है। तो आपको 15 सेकंड की वीडियो बनानी, तो मैंने यहाँ पर 10-11 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ मैं ज़्यादातर। तो अब हम इसे अपलोड करने वाले, तो यहाँ पर हम एक चीज़ का ध्यान देना, अपलोड वीडियो पर क्लिक करना। जैसे हम अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको क्लिक शॉर्ट पर अपलोड नहीं करना, अपने अपलोड वीडियो पर क्लिक करना है।
और हमें वो वीडियो ऐसा सिलेक्ट करना जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो वो मैंने वीडियो मैंने अभी बनाया था, ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है, देख सकते हैं आप। इसकी जो लेंथ है ओनली 11 सेकंड की, आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है कि वो जो सॉन्ग है, जो हम यहाँ से सॉन्ग लेने वाले, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं, उन्हें यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने वॉइस ओवर में नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ सॉन्ग यूज़ करें। सॉन्ग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने एक सॉन्ग ऐड कर रखा है, आप चाहो तो इसे भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो। ये ऊपर ऊपर वाला सॉन्ग बहुत ही ट्रेंडिंग है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बने रहते हैं। मैं इस शॉर्ट वीडियो पर अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से इसे सेव कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद इस सॉन्ग पर ये वीडियो ऐड हो जाएगी। अब ऐड होने के बाद हम यहाँ पर क्या करें, नेक्स्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद अब सबसे ज़्यादा प्रोसेस यही होती है, जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ से आके स्किप कर देते हैं कि अब तो यहाँ से सीधा हम वीडियो अपलोड कर लेंगे, बट यहाँ से ऐसा नहीं होता है। आपको वो चीज़ें लिखनी है जिसके रिलेटेड आपका टाइटल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अमरुद खाने वाले फ्रेंड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा, अमरुद खाने वाले फ्रेंड, अमरुद खाने वाले फ्रेंड, ये मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं अब यहाँ से 4 से 5 चीज़ हैशटैग और यूज़ करने होते हैं, जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर से ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, सेकंड होता है यहाँ पर YT शॉर्ट्स, उसके बाद होता है यहाँ पर एक और हैशटैग होता है ओनली ट्रेंडिंग, उसके बाद होता है शॉर्ट फीड, ठीक है। और उसके लास्ट में होता है शॉर्ट्स। ये 5 है जो हमारे जो हैशटैग है, ये यहाँ पे यूज़ करना है हमारी हर वीडियो में। और उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी वीडियो को अनलिस्टेड ही ओपन करना है, यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करूँगा और ये मेरी अनलिस्टेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब अपलोड होने के बाद क्या करने वाला, हम इस वीडियो को अब चलने वाले हम अपने YT स्टूडियो में। जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, हम उसे अनलिस्टेड देखेंगे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी चीज़ें और करनी रहेगी बाकी, जो हम वहाँ करने वाले हैं। अनलिस्टेड रहने के बाद आपको 1 घंटा से 2 घंटा रुकना होगा, और उसके बाद आपको अनलिस्टेड होने के बाद वो काम करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर चलेंगे और अपनी वो शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिस शॉर्ट वीडियो पर हमने अनलिस्टेड अपलोड की थी। तो थोड़ा ये बार नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर चलेंगे हम और इस शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस शॉर्ट में एडिट करने वाले थोड़े और चीज़ें हमें यहाँ से ऐड करनी होगी। वो मैं चीज़ें आपको लाइव प्रूफ यहाँ से ऐड करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें 2-4 हैशटैग और लगाने होते हैं, वो आपको यहाँ पर लगा देने होंगे, और उसके बाद आपको इस वीडियो को 1 घंटे से अनलिस्टेड रहने देना है, उसके बाद अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ आपको टेक्स में क्या क्या यूज़ करने होंगे। थोड़ी और सेटिंग है वो आप कर ले रहे हैं। यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर हम क्लिक करके सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो भी हमने अपना टाइटल दिया हुआ, आप ऊपर देख रहे हो, ये मेरा टाइटल है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा टाइटल है। इस टाइटल को सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने कर रखा है, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स में। टेक्स में मैंने 5 से 6-7 टेक्स लगा रखे, आप सब देख सकते हैं। शॉर्ट्स, YT शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स, और मेरे चैनल का नेम लगा रखा। ये सारी चीज़ आपको लगा देनी है। उसके बाद आपको 1 घंटे तक इसे अनलिस्टेड रहने देना और सेव कर देना, और 1 घंटे के बाद आप इसे पब्लिक कर देना, और उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद उसके ऊपर व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे इस वीडियो पे आए हुए हैं 10,000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, तो इस टाइप से आपके भी व्यूज़ आ जाएंगे। ये लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हैं नीचे, ठीक है। जिस टाइप से आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी, ये एक बार तरीका आप आजमा कर देखो, 30 दिनों तक ये आजमाओगे 100% शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। जैसा कि यार आप लोगों ने लाइव प्रूफ देखा है मैंने कैसे अपनी वीडियो को अपलोड करना सिखाया और कैसे मैंने इस वीडियो को वायरल करके दिखाया, तो आपको ये काम ओनली 30 दिनों तक करना होगा। लगातार आपको एक वीडियो 30 दिन तक अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये काम करते हो 100% आपकी सो वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं यार तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर से एक नई वीडियो जल्दी मिले, तब तक के लिए गुड बाय।